और मैडम कुछ भी चोज खोलने से पहले सोच लीजिएगा, जो आप बोलती है ना भाड़े के टट्टू लोग है, भाड़े के टट्टू नहीं है, दिल से सपोर्ट करते हैं, भाई है, जान देते हैं। ये भाई को तो आपने सब कुछ नोच लिया, फिर आके सारा चीज हग दिया। खेसारी लाल यादव आपको डिफेंडर बैठाने का औकात बनाया था, बी ग्रेड एक्टर के साथ रहोगी, आप वापस फिर से आप गुगिरवा में चल जाओगे, तो आप हमको लड़ा कि मैडम कहीं मेंटली आप डिस्टर्ब तो नहीं हो गई है, मान से यही कमना करूंगा ना, आपके पास जितना भी संपत्ति है ना कागज, इसलिए दिखाना और गरीब बन जाना और गरीबी में पैदा होना और गरीब होना ये बड़ा अलग चीज है मैडम, ठीक है ना। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका नाम सन ऑफ हिंदुस्तान, उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद हाँ, थोड़ा टेम्पू पर बैठाई है दिया लेकिन काजल लगवानी और भाई वाले की, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है मेरे भाई, जितने भी मेरे भाई चाहने वाले हो, खेसारी आ रही हो, खेसारी फैन भाई, तो एक यार मुहावरा बताया था कि अगर आपको डिफेंडर में बैठाने के लिए औकात बना दे, वापस आप टेम्पू में बैठ जाओगी, दुकान में भी आप ही बिकोगी, जनरल दुकान में भी आप ही बिकोगी, मॉल में भी आप ही बिकोगी, चौराहा में भी आप ही बिकोगी, और सब्जी मंडी वाला में भी आप ही बिकोगी, तो भाई आप अपने का एक स्टैंड करो ना कि हम आखिर बिकना चाहते हैं या तुम कहां बिके। अपने आप को जब ब्रांड बना रही हो तो आपका एक होना चाहिए ना सटीक पॉइंट कि भाई मैं मॉल का हूं, जैसे मेरा बड़ा भाई ट्रेनिंग सर बोलता है कि नहीं भाई मैं मॉल का चीजों में मॉल में बिकता हूं, अपने आप को उस लाइक बनाया ना। वो मैडम काजल बात ये कि गरीब गरीब बंदा और गरीब हो जाना दोनों बड़ा फर्क पड़ता है। और अभी जो आप हरकत कर रही हो ना टेम्पो में बैठ के, जो बाइक ले रही हो चाचा का, आप गरीब बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, और जो व्यक्ति है ना वो गरीब है, ठीक है। तो खेसारी लाल यादव आपको डिफेंडर बैठाने का औकात बनाया था, और आप वापस जाके टेम्पो में बैठोगी, डी ग्रेड एक्टर के साथ रहोगी जिसका कोई आधार नहीं है, तो भाई किसी को भी खराब लगेगा। तो आपको ठीका लिया है क्या कि आपको बार बार टेम्पो में से उठाते रहे और डी ग्रेड एक्टर से उठा उठा के आपको अपॉर्चुनिटी देते रहे? नहीं भाई, क्यों देगा भाई, आपको एक स्टैंड बनाया, एक स्टेबिलिटी दिया, एक जगह दिया, एक फर्म दिया, एक प्लेस दिया कि आप इस जगह पे आप रहो, आप वापस फिर से आप गुगिरवा में चल जाओगे, तो आपको भाई कौन रिस्पॉन्स देगा? कोई नहीं देगा। तो खैर आज हंसी बोल रहा था इनकी वीडियो देख के कि मैडम टेम्पो में बैठ के बोल रही है टेम्पो वाला से कि बल्कि आप पैदल ये तो क्या टेम्पो डिफेंडर, बहुत सारी बातें पूछ रही थी, खैर उतना हम ध्यान में नहीं दिए, लेकिन देखे मैडम का हमको लग रहा है कि मैडम कहीं मेंटली आप डिस्टर्ब तो नहीं हो गई है, जिस तरह की आप हरकतें कर रही हैं हमको तो लग रहा है कि आप मेंटली कोई डिस्टर्ब हो गई हैं। खैर जो भी हो वो आपका पर्सनल मैटर है, मेंटली डिस्टर्ब हो या नहीं हो, लेकिन जिस तरह की आप हरकतें कर रही हो ना वो बिल्कुल गलत है भाई, वो बिल्कुल लग रहा है कि मेंटली डिसऑर्डर हो गई है भाई। टेम्पो के बाद का टेम्पो में जाके बैठ गई, वाह, इसी को तो कहते हैं यार कुछ भी, मतलब यार दिमाग अपना भी कॉमन सेंस कुछ लगाओ यार। अगला तुमको एग्जाम्पल दे रहा है, ये नहीं बोला कि जाके टेम्पो में बैठ जाओ, एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल को तुमने प्रेजेंट कर रही हो, तो प्रेजेंट करो कोई बात नहीं है। तो जब ऐसी बातें हैं, जब टेम्पो में बैठने की शौक है, तो जो आप मर्सिडीज ली हो, फ्लैट ली हो, उसका जरूरत आपको नहीं है मैडम, क्या करोगी आप, सब दान कर दो ना, बहुत सारे गरीब हैं, बाढ़ पीड़ित बच्चे, बहुत सारे अनाथ हैं, सभी लोगों को दान दे दो, दे पाओगी क्या? कभी नहीं तुमसे हो पाएगा, ठीक है। इसलिए दिखाना और गरीब बन जाना और गरीबी में पैदा होना और गरीब होना ये बड़ा अलग चीज है मैडम, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा कम दिखावा कीजिए। आदमी अगर उस लाइक आपको बनाया है तो किसी को भी बुरा लगेगा कि अगर हम किसी को उस लाइक बनाए हैं और जाके वो डी ग्रेड एक्टर जो रहे टेम्पो में बैठा रहे, जो कि उसको मॉल में बैठने का औकात बना दिए हैं कि मॉल में बिकेगी सामान, और वो सामान अगर रोड पे बिकने लगेगा तो किसी को यहाँ हर्ट होता है, ठीक है ना। बाकी आप खुद समझदार हैं और आपको जो करना जो करो, सब लोगों का घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन यही बस थोड़ा सा वीडियो बनाने का यही रीजन था। फाइनली तुमको खेसारी लाल यादव ने टेम्पो में बैठा ही दिया काजल लगवानी, जियो मेरे शेर, लव यू राजा, छाए रहो ट्रेंडिंग स्टार, ऐसे ही सारे विरोधी को पानी पिला दो मेरे भाई। और मैडम कुछ भी चोज खोलने से पहले सोच लीजिएगा, जो आप बोलती है ना भाड़े के टट्टू लोग है, भाड़े के टट्टू नहीं है, दिल से सपोर्ट करते हैं, भाई है, जान देते हैं, ठीक है ना। आपके तरह किसी का ना खाकर यूज नहीं किए हैं, भैया का कुछ खाए नहीं है, भाई को जान से ही प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, लेकिन भाई को तो आपने सब कुछ नोच लिया, फिर आके सारा चीज हग दिया, तो कितना दर्द होगा? बहुत दर्द, जितना भाई को दर्द हो रहा है ना उससे लाख गुना ज्यादा ना खेसारी यार को, खेसारी फैन हर्ट हो रहे हैं कि हम सब ने आपको चाहा था, हम सब ने आपको प्यार कर, हम सब आपको प्यार करते थे,
इसलिए जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन है मैडम को भाई ना पैसा की जरूरत है, ना मर्सिडीज की जरूरत है, ना फ्लाइट की जरूरत है। तो जितने भी आप लोग हैं सब लोग अनफॉलो कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें, कुछ काम के नहीं है, ठीक है ना। और आप भगवान में नील हो जाओ या टेम्पूए चलाओ, कुछ भी करो, क्योंकि आपको हमको लग रहा है पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टेम्पू की जब बातें कर रही हो तो आप टेम्पू भी चला सकते हो मैम। सो प्लीज यू कैरी ऑन। आप जितने खेसारी आर्मी और खेसारी फैन, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस जहां रहिए मस्त रहिए, और हमेशा भाई के बारे में बात करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।